प्रयागराज के संगम तट पर लगे आस्था के सबसे बड़े महापर्व कुंभ मेले में अखाड़ों के अलावा भक्ति की एक और धारा शामिल है। त्रिवेणी के तट पर 21 फरवरी से पौष पूर्णिमा के साथ कल्पवास की शुरुआत हो रही है। संगम की रेती में एक महीने के लिए अपना आशियाना बनाकर 2 लाख से अधिक कल्पवासी मोहमाया की दुनिया से अलग साधना में लीन होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज की धरती पर लगे अनूठे कुंभ मेले में भक्ति और आस्था की अद्भुत त्रिवेणी बह रही है। 1.5 माह तक चलने वाले दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में अब साधना और तप की एक और धारा समाहित हो रही है। ये धारा है कल्पवासियों के साधना की। साल भर वीरान पड़े इस त्रिवेणी का रेतीला तट कल्पवासियों से गुलजार हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही शुरू होता है कल्पवास। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक एक महीने चलने वाले इस कल्पवास में लाखों लोग शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए जो पहला यज्ञ किया था उसकी शुरुआत माघ महीने में हुई थी। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के इस एक महीने के समय में ब्रह्मा जी ने प्रयाग में ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं और शक्तियों का आवाहन किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक महीने के कल्पवास की परंपरा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि एक महीने तक त्रिवेणी के इस तट में वास करने आज भी मनुष्य ही नहीं बल्कि खुद देव और ऋषि गण भी आते हैं, जिसकी वजह से माघ के महीने में कल्पवास होता है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। आज भी कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ी के लिए अध्यात्म की राह का एक पड़ाव है, जिसके जरिए कल्पवासी स्वनियंत्रण और आत्मशुद्धि करते हैं। संगम के तट पर 3200 एकड़ में लगे इन तंबुओं के अंदर एक महीने के लिए अस्थाई बस्तियां बस गई हैं, जिसमें कल्पवासी वास करेंगे। हालांकि बदलते समय के साथ कल्पवास करने वालों के तौर तरीके में कुछ बदलाव जरूर आ गए हैं, लेकिन ना तो कल्पवास करने वालों की संख्या में कमी आई है और ना ही आधुनिकता इस पर हावी हुई है। कल्पवास के लिए माना जाता है कि संसारी मोहमाया से मुक्त और जिम्मेदारियों को पूरा कर चुके व्यक्ति को ही कल्पवास करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारियों से जकड़े व्यक्ति के लिए आत्मनियंत्रण थोड़ा कठिन माना जाता है। कल्पवास के दौरान कल्पवासी को जमीन पर शयन करना होता है। इस दौरान फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहने का भी प्रावधान है। कल्पवासी को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना चाहिए। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखने की परंपरा है। वैसे इसे अधिक समय तक भी इसे जारी रखा जा सकता है। 82 साल की उम्र में भी त्रिवेणी के तट में इस कपकपाती ठंड में इन तंबुओं में कल्पवास करने आए यूपी के बारंबकी से सर्वजीत और नामवर सिंह भी ऐसे ही कल्पवासी हैं, जो पूरे 12 वर्षों से यहाँ हर साल कल्पवास करने आ रहे हैं। एक महीना तो यहाँ जो तप है अपना, घर माया छोड़ के हम लोग यहाँ पर आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सुबह गंगा नहाते हैं और कठिन परिस्थिति में ठंडी में हम लोग संघर्ष करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं अपने। हाँ, मांग तो कभी नहीं की, हमने ये सोचा कि आल औलाद के पढ़ाए लिखाए, शादी शुदा कर दिए, सब अपने अपने घर बना लिए। हमने कहा अपने लिए हमने क्या बनाया, तो हमने किया अपने लिए भी तो कुछ बना ले भाई, हमारा जो कर्म रहेगा वही हमारा साथ जाएगा। यहाँ चले आते हैं, यहाँ तो भगवान से लगन लगी है, यहाँ गंगा स्नान होता है, प्रभु का भजन होता है, अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से मुलाकात होती है, उनके बीच में बैठने से ज्ञान प्राप्त होती है। यहाँ पे यही है कि दिन सवेरे 5 बजे या 6 बजे स्नान कर लेते हैं, इसके बाद भजन पूजन करते हैं, फिर इसके बाद भोजन बनता है, भोजन करते हैं, एक टाइम खाना, हाँ एक टाइम भोजन करते हैं, सुबह चाय नाश्ता कर लेते हैं, 12 बजे 1 बजे भोजन करते हैं, सत्संग, हाँ सत्संग करते हैं। कहते हैं कि अगर माघ महीने के समय त्रिवेणी में केवल माघ पूर्णिमा भर का स्नान कर लें तो इससे पूरे महीने में पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या माघ मेला,
त्रिवेणी में रोज पहली डुबकी लगाने का अधिकार इन्हीं कल्पवासियों को दिया गया है। और यही वजह है कि आधुनिक दुनिया की चमक दमक से दूर आस्था की यह नगरी अपनी निष्ठा और समर्पण की दुनिया में पूरे एक महीने माघ पूर्णिमा तक इसी तरह डूबी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।